रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा जो महारैली की जा रही है, जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको देखते हुए यहाँ पर एक महाआंदोलन का महारैली का आयोजन किया गया है। और इस महारैली के विषय में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इसकी झलकियाँ दिखाते रहेंगे। और आइए लेके चलते हैं हम इसके स्टेडियम के अंदर। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों को करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पर बैठे जिम्मेदारी से सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करते, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते हैं, राजा का आचरण भी राजा जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे। अगर बंदर को राजगति सौंप दी जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग चेलुम के नाम से जानते हैं। 35,000 की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई अपराधी तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुशे मन में रखें
लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में हो गया, मैं जब दूसरे देश में गया मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं आसिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। ये आवाज उठाने की कम क्यों करी, इसके पीछे भी कई कारण है और मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो आज के बाद कमर कस ले और गांठ बांध ले कि जो प्रयास भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पर वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में है जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट न हो पाने के धोखाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम की, हमारी पहली मांग यह है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो यह नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट बेतवन के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जान बूझ के उनके मुंह से कहा जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कह रहा हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको जीएसटी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी प्वाइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। जिन जातियों को गाली दी जा रही है ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए,
डंडे खाए गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन दुश्मन का यह षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में यह दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं जब हम मुट्ठी बनकर रहेंगे तो कोई हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता, लेकिन जब जब हम बट जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर उन वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों गैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने ये देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है, लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूँ तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूँ कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महापुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इसमें कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दलों का समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण में सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता।
अगर ये पावर स्टेट को मिल गई, हमें सरकार की मंशा
का जन्म तक है। हमने यही मांग की, आपको याद होगा यूपी के साथी हमारे जानते हैं, हमने दो साल पहले मांग की थी कि जो 52% ओबीसी है उनको 27% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने दिया। आबादी से आधा सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ना पाते हुए सरकार ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से लोग लगा के 27% दिया। हमने मांग की 2.5 साल पहले यूपी में गोरखपुर में पीसी करके कि ओबीसी की आबादी तो 52% ही है, तो 15% 27% से अलग 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से अति पिछड़ी जातियों को कराने के लिए मांग हमने 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में उठाई। उसके बाद तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।